हेलो एवरीवन, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स होते क्या हैं। तो देखिए, अब फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की अगर आप बात करते हैं तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। दीज आर पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड होने के कारण क्या होता है कि ये डेंटिसिटी अलग अलग शो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, और ये पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास SO4 -2, PO4 -3, CO3 -2, NO3 -, और EDTA, ठीक है, और EDTA के ऊपर हम लोग यहाँ पे -4 चार्ज लगाते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, दीज आर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। अब देखिए, फ्लेक्सीडेंटेट का क्या मतलब होता है, तो हम यहाँ एग्जांपल के लिए देखते हैं। देखिए, अगर हम इथाइलीन हम बात कर रहे हैं EDTA की, तो अगर हम यहाँ पे इथाइलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट और एक्चुअली इसके ऊपर चार्ज है, तो हम इसको लिख रहे हैं आयन, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये एक लिगेंड है, और ये कैसा लिगेंड है, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, और ये है क्या, तो ये है EDTA, ठीक है। तो देखिए, ये जो EDTA है, इनकी अगर डेंटिसिटी की बात करें, ठीक है, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि ये इसमें कितने एटम जो हैं वो डोनर एटम का काम कर रहे हैं। तो इसकी मैक्सिमम डेंटिसिटी कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। यानी ये मैक्सिमम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, या आप बोल सकते हैं कि इसमें 6 एटम जो होते हैं वो डोनर एटम का काम करते हैं। अब आइए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं और तब समझते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, CH2, ठीक है। यहाँ पे हम अगर आप अमाइन की बात करते हैं, इथाइलीन डायअमाइन की बात करते हैं, तो देखिए इथाइलीन डायअमाइन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेट्रा एसीटेट जुड़ा हुआ है, और एसीटेट आयन अगर आप बात करते हैं तो कुछ ऐसे होता है, CH3COO-, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है कि एक और ध्यान देखिए, अगर इस एसीटेट आयन को जुड़ना होगा कहीं भी, तो किधर से जुड़ेगा, इस कार्बन की तरफ से जुड़ेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, तो ये हो गया CH2COO-। तो इसको भी हम लोग एसीटेट आयन बोलेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से इस एसीटेट आयन कितना, 4 एसीटेट आयन को यहाँ पे ऐड होना है, ठीक है। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या होगा, निकलना होगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से निकलेंगे, तब जाके 4 एसीटेट आयन आपस में आके क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं, और हाइड्रोजन को जब हटाते हैं तो देखिए
हमारे पास एसीटेट आयन जो रहा है CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से एक और एसीटेट आयन जुड़ रहा है, ये है CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। यहाँ भी वही केस है, CH2 COO नेगेटिव और फिर CH2 COO नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डोनर एटम की बात करें तो सबसे पहले लोन पेयर हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ डोनर एटम कितने हैं उसको देखिए, देखिए ये वन डोनर एटम है, ये सेकेंड डोनर एटम है, ये यहाँ का ऑक्सीजन जो ओ पे माइनस है थर्ड है, ये देखिए फोर है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये क्या है सिक्स्थ है। तो इसमें कितने डोनर एटम हैं, तो अगर आप डोनर एटम की बात करते हैं तो यहाँ डोनर एटम कितने हैं सिक्स है, और जितने डोनर एटम होते हैं वही उसकी क्या हो जाता है डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी इसकी मैक्सिमम कितना है सिक्स है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी मेटल के साथ अगर ये आ रहे हैं एज ए लिगेंड का काम कर रहे हैं, तो मेटल के साथ जब ये लिगेंड का काम करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये मेटल इनसे लोन पेयर लेगा, ठीक है। और जब ये मेटल इनसे लोन पेयर लेगा तो देखिए कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सकता है। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ से बन सकता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ से बन सकता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ से बनेगा, और ये भी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और ये भी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मैक्सिमम कितना डेंटिसिटी शो कर रहा है, तो ये मैक्सिमम सिक्स डेंटिसिटी शो कर रहा है। लेकिन बोल रहा है कि ये फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी मतलब फ्लेक्सिबल लिगेंड का काम करता है। तो फ्लेक्सिबल लिगेंड का काम करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको ज़रूरत हुआ तो ये सिक्स भी शो कर सकता है डेंटिसिटी, फाइव भी शो कर सकता है डेंटिसिटी और फोर भी शो कर सकता है, ठीक है। यानी जहाँ जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह की डेंटिसिटी ये क्या कर सकता है शो कर सकता है। इसलिए हम लोग EDTA या इथाइलीन डायमाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं वो भी हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि ये एक कंपाउंड में एक ही डेंटिसिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंपाउंड वन है, कंपाउंड टू है और कंपाउंड थ्री है, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड में सिक्स शो कर सकता है, तो दूसरे कंपाउंड में फाइव शो कर सकता है, तीसरे कंपाउंड में फोर शो कर सकता है। एक ही कंपाउंड के अंदर ये तीनों डेंटिसिटी पॉसिबल नहीं है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। कि फ्लैक्सी डेंटेट चाहे कोई भी हो वो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग डेंटिसिटी शो करते हैं, ठीक है। एक ही कंपाउंड में वो तीनों के तीनों डेंटिसिटी शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है SO4-2। तो SO4-2 जो है ये मोनोडेंटेट का भी काम करता है, ठीक है, और ये बाईडेंटेट का भी काम करता है। याद रखिए मोनोडेंटेट का मतलब होता है कि ये आपका वन डेंटिसिटी भी शो कर सकता है और ये टू डेंटिसिटी भी शो कर सकता है। तो इसी तरीके से ये लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये वन डेंटिसिटी और टू डेंटिसिटी दोनों शो करता है जब जैसा जरूरत पड़ता है। तो हम लोग SO2 को भी क्या बोलते हैं, दिस आर ऑल्सो फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स। अब आइए चेक करते हैं कि फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स कैसे ये काम करेगा। तो चलिए तो
यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, SO4 को। तो देखिए SO4 की अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हम ये ले रहे हैं SO4-2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज सल्फेट आयन, दिस इज सल्फेट आयन। और इसका स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसमें जो डोनर एंड है वो डोनर एंड कौन सा है, वो डोनर एंड देखिए यहाँ पे आपके पास दो है, ठीक है। एक तो ये भी डोनेट कर सकता है और यहाँ पे ये भी डोनेट करता है, ठीक है। तो ये कभी वन डेंटिसिटी शो करता है तो ये कभी क्या करता है, टू डेंटिसिटी शो करता है। इसलिए हम लोग सल्फेट आयन को क्या कहते हैं, फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, तो देखिए एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास है CO, ठीक है, और हमारे पास है इथाइलीन डायमाइन होल ट्वाइस, और हमारे पास है SO4 और इसके ऊपर -2 है और इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, 1+ चार्ज है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए, उसमें है CO है और NH3 है, NH3 है और ये NH3 कितना है, तो ये NH3 5 है और फिर यहाँ पे है SO4-2 और इसके ऊपर भी 1+ चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहे हैं, क्या कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे ये मोनोडेंटेट का काम कर रहा है, मोनोडेंटेट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, CN लिख रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो देखिए ये भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है, दीज आर अल्सो बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये इसकी नंबर कितना है, 2 है, तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए 2 × 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस ये भी बाइडेंटेट है 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ CO का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे देखा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, ये आपका NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड, और मोनोडेंटेट लिगेंड इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो आपको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे 5 मोनोडेंटेट मतलब 5 है और प्लस सल्फेट आयन भी मोनोडेंटेट का काम कर रहा है, तो यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। तो देखिए कहीं पे ये बाइडेंटेट का काम कर रहा है तो कहीं पे ये मोनोडेंटेट का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज फ्लैक्सी डेंटेट। अब भाई इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हम पहला एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं और वो एग्जांपल है हमारा कि CO है
और ई एन है होल ट्वाइस है, और एस ओ फोर ये माइनस टू आपको रहेगा इस पे, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखे तो हमारा सी ओ यहाँ पे हो गया सेंट्रल एटम, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सल्फेट आयन किसका काम कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है। तो बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया ऐसा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास ई एन भी है, तो ई एन भी क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड का काम करता है। तो हम ई एन को भी यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, बना दिया। साथ ही साथ ये भी इधर से कोऑर्डिनेशन नंबर बना दिया, ठीक है। देखते हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन नंबर बना, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन नंबर बना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बना, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बना। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे जो सल्फेट आयन है ये यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड्स का काम कर रहा है। इसकी जो डेंटिसिटी है वो कितना है, यहाँ पे टू है, देखिए ये वन और ये टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे सल्फेट आयन यहाँ पे बाइडेंटेट का काम कर रहा है। दूसरे स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें, तो सेकेंड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग अमोनिया वाला। तो वहाँ पे हमारा है सी ओ एन एच थ्री होल फाइव और एस ओ फोर ये माइनस टू और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर बना लेते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर बना लिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, तो इसके अंदर हम देखिए सी ओ ले रहे हैं। तो देखिए सी ओ कितना है, तो सी ओ फाइव है, तो हमने क्या करना है, फाइव सी ओ बना लेना है, सॉरी फाइव एन एच थ्री बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एन एच थ्री हो गया हमारा, यहाँ पे भी एन एच थ्री हो गया, सॉरी एन एच थ्री, कलर चेंज कर लेते हैं तो हमें समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे एन एच थ्री है, यहाँ भी हमारा क्या है, एन एच थ्री है, यहाँ भी हमारा एन एच थ्री है, यहाँ भी हमारा एन एच थ्री है, और यहाँ एक और फाइव है एन एच थ्री, तो फाइव हमने कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बना रहा है, सल्फर बना रहा है इस तरीके से, देखिए। तो यहाँ पे देखिए सल्फर जो है वो वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसकी डेंटिसिटी की अगर बात करेंगे, देखिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे बन रहा है, तो इसकी डेंटिसिटी यहाँ पे क्या है, वन है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कैसे लिगेंड जो होते हैं जरूरत पड़ने पे कब वो फ्लैगजीडेंटेट का काम करते हैं, तो जब उनके पास उस तरह के एटम अवेलेबल होते हैं मोर देन वन, ताकि वो मोर देन वन क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा डोनर एटम रखता हो तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कब हम, मान लीजिए कि हर एक आपको याद नहीं रहेगा, तो कब हम ऐसे गेस कर सकते हैं, मतलब कब हम ऐसे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि कौन फ्लेक्सिबल मतलब लिगेंड का काम करेगा और कौन फ्लेक्सिबल लिगेंड का काम नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक हम लिख रहे हैं हाइड्राजीन लिख रहे हैं एन एच टू और एन एच टू, ठीक है। इसके पास यहाँ लोन पेयर है जी, और इसके पास यहाँ लोन पेयर,
और एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग, सल्फेट आयन ओ माइनस, ठीक है ओ माइनस। और अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि अब आप बताइए कि क्या हाइड्रोजन फ्लैक्सीडेंटेट का काम कर सकता है क्या? क्या ये फ्लैक्सीडेंटेट हो सकता है क्या? अभी तो हमने इसको देखा कि ये फ्लैक्सीडेंटेट हो सकता है, लेकिन क्या हाइड्रोजन भी फ्लैक्सीडेंटेट हो सकता है क्या? तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए आप क्या करिए कि इसके साथ कोई मेटल ले लीजिए, ठीक है, और इसके साथ भी कोई मेटल ले लीजिए। तो देखिए जब ये मेटल आएगा और आप सोच रहे हैं कि ये बाइडेंटेट का काम करेगा, ठीक है, और जरूरत पड़ेगा तो मोनोडेंटेट का भी काम करेगा, अभी हम ऐसा सोच रहे हैं। तो चलिए अब बाइडेंटेट का काम कराते हैं। तो अगर मैं इससे और इससे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दूं, और यहाँ भी हमने इसका टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया, तो देखिए यहाँ एक रिंग बना जिसको हम लोग चिलेट रिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं किलेटिंग, किलेट रिंग। तो किलेट रिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जब वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग किलेट रिंग बोलते हैं। और एक किलेट रिंग कितना होगा तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जितना कोऑर्डिनेशन डेंटिसिटी होता है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो किलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है, यानी आप काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक रिंग बन रहा है और यहाँ भी एक रिंग बन रहा है, तो अगर आप इसको बाइडेंटेट बोलते हैं तो किलेट रिंग कितना होगा, तो जितना बाइडेंटेट जितना डेंटिसिटी है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो किलेट रिंग 1 होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि क्या NH2 बाइडेंटेट लिगेंड का काम करेगा क्या, क्योंकि ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंड है अगर ये बाइडेंटेट का भी काम करने लगेगा तब तो ये क्या कहलाएगा, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। तो देखिए जब भी आप याद करिए, जब भी आप ये रखिए, जब भी कोई रिंग का स्ट्रक्चर बनता है और रिंग में मेंबर कितने हैं, 1 2 3, तो ये रिंग स्टेबल नहीं होता है, इसमें स्ट्रेन क्रिएट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है स्ट्रेन क्रिएट होता है, यानी इसमें स्ट्रेन क्रिएट होने से ये रिंग स्टेबल नहीं होता है और ये ब्रेक हो जाता है। जबकि यहाँ पे देखिए कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे रिंग में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर में स्ट्रेन कम क्रिएट होता है कंपेयर टू 3, इसलिए ये बाइडेंटेट का भी काम करता है और मोनोडेंटेट का भी काम करता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा, मोनो डेंटेट का। तो अगर क्वेश्चन ये है कि क्या हाइड्रोजन बाइडेंटेट का काम कर सकता है क्या, क्योंकि इसके पास भी दो डोनर एटम है, टू डोनर एटम है, तो इसको बाइडेंटेट का काम करना चाहिए लेकिन ये नहीं करता है। उसका रीजन यही है कि 3 मेंबर रिंग जब बनेगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो फ्लेक्सीडेंटेट में अब हम लोग एक सिंपली डेफिनेशन देख लेते हैं और डेफिनेशन देख के इसको हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो देखिए फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड क्या है, तो अभी हमने देखा कि फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड क्या है, तो इट इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड विच इज फाउंड टू हैव डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, यानी डिफरेंट डेंटिसिटी होता है डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, एक में नहीं। और अभी हमने इसके एग्जाम्पल को देख लिया, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक तो हमने देखा EDTA, ठीक है, और इसके ऊपर -4 चार्ज, हमने देखा SO4-2, हमने देखा PO4-3, NO3-CO3,
3 माइनस 2, तो दीज ऑल्स आर एग्जाम्पल। एसीटेट आयन को भी यहाँ पे फ्लैक्सीडेंटेट में कंसीडर किया जाता है। तो देखिए फ्लैक्सीडेंटेट में कंसीडर करने के लिए आप वही करिएगा कि स्ट्रक्चर बनाइएगा जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, उस एटम को एज ए डोनर मानिएगा, और रिंग फॉर्मेशन अगर 4 आ रहा है या 4 से ज़्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मोनोडेंटेट के साथ साथ जरूरत पड़ेगा तो फ्लैक्सीडेंटेट का भी काम कर सकता है। तो आज हमने देखा कि फ्लैक्सीडेंटेट क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं।